तो वैसे तो भगवान नहीं कह रहे कि देखो मैं इतना कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कि तो तुम मेरी पूजा करो, बट हमें शर्म थोड़ी चाहिए ना कि यार हम भगवान इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं ग्रेटफुलनेस शो करूँ कि देखो आपकी वजह से मैं एयर ले पा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, 3 मिनट के लिए एयर बंद हो जाए, यहीं लेटे पड़े हुए हैं, नाक में से खून बह रहा हुआ है, अजीब सी हर शकल हो जाएगी, सिर्फ 1 मिनट भी कर दो तो भी हालत खराब हो जाएगी। तो इतनी सारी फैसिलिटी जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता, सब फ्री है। लोग बोल रहे हैं कि देखो इंसानों ने सैटेलाइट फाड़ आसमान में उड़ रही है, कितना कुछ एडवांसमेंट है। सोचो जो व्यक्ति प्लैनेट्स उड़ा रहा है वो कितना पावरफुल होगा ना, तो कृष्णा वो है। बट जब अर्जुन को नीड हुई, ऐसा व्यक्ति जो इतना पावरफुल है वो तुरंत ही उनके ड्राइवर बन गया। तो ये आस्पेक्ट जो सोसाइटी में आज मिसिंग है ना, अच्छे रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, वो आज भी, भविष्य में भी और पास्ट में भी हर समय जरूरत है, और वो कृष्णा से अच्छा कोई सिखा नहीं सकता। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वेलकम टू आवर थर्ड पॉडकास्ट, और आज जन्माष्टमी महोत्सव है, और 2 सालों के बाद लगभग कोविड के दौरान लोग जन्माष्टमी नहीं बना पाए थे, तो अब लोग पब्लिकली मंदिर जा पा रहे हैं, एंड आई एम श्योर आप लोग भी गए होंगे। लोकल टेम्पल जाइए, विजिट करिए, वहाँ पे देखिए जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट हो रहा है। और आज हमारे साथ एज यूजुअल दीपक है, तो आज हम जन्माष्टमी स्पेशल एक पॉडकास्ट करने वाले हैं। तो आप क्या एक्साइटेड हैं जन्माष्टमी के लिए? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। ये कैसा बात हुआ एक्साइटमेंट का? ये तो हल्का हल्का सा बात। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बस मैं थोड़ा गला बैठा हुआ है क्योंकि एसी चल रही है तो ठंड लग रही है मुझे। अच्छे से ज्यादा मैं 2018 तक तो मैं जन्माष्टमी में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। उसके बाद कोविड आ गया था 19 के बाद, उसके बाद तो मंदिर नहीं जा पाते थे। उससे पहले तो लाखों लोग मंदिर में आते थे और मैं सेवा लगती थी हम लोगों की, तो बहुत मजा आता था। और फिर 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, तो हम लोग अपने बेस में या फिर अपने घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट फाइनली मंदिर खुल गए, गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया गैदरिंग के लिए, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस बार फेस्टिवल के लिए। चलिए, ये तो एक्साइटेड है, तो आप लोगों से भी अपेक्षा करते हैं कि आज के पॉडकास्ट के बाद आप लोग भी एक्साइटेड होंगे, आप लोग जाएंगे अपने अपने लोकल टेम्पल्स विजिट करेंगे। और साथ ही साथ आज मेरे पास आपके लिए एक सवाल ये है कि कई बार ना लोग कृष्ण को एक सोचते हैं आस्पेक्ट कि इनसे क्या ही सीख सकते हैं। ये तो पूर्व की बात हो गई है ना, पुरानी बातें हो गई है ना। आजकल के मॉडर्न टाइम्स में जहाँ 21st century में गैजेट्स हैं, इतने सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, तो उनको लगता है कि पास्ट में ऐसा क्या ही है कंट्रीब्यूट करने को, या किसी के कैरेक्टर से भी, इवन स्पेसिफिकली इफ़ यू टॉक अबाउट कृष्णा। तो मेरा सवाल ये है आपसे, कृष्ण से लोग आज के समय में क्या सीख सकते हैं? वैसे तो भगवान कृष्ण से बहुत सारी चीज़ आप सीख सकते हो, और ऐसा नहीं है कि पहले के लिए ही लोग सीख सकते थे, आज नहीं सीख सकते। कृष्ण एवर ग्रीन है, वो आज भी हैं, कल भी लोग सीखेंगे उनसे, और पहले भी लोग सीख ही रहे थे। तो मैं उनसे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो बता सकता हूँ, जो मैंने अपने गुरु से, साधुओं से सुना है, जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, तो वही रिपीट करूँगा थोड़ा सा अपने शब्दों में। तो एक रिसर्च हुई थी, 75 years की रिसर्च थी हैप्पीनेस के ऊपर, हैप्पीनेस के ऊपर, और ये हार्वर्ड द्वारा रिसर्च हुआ था, यस। तो उस में देखा गया कि उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें 50% लोग काफ़ी रिच थे और 50% लोग पुअर थे, मतलब 50-50 लोग लिए। और इनका लाइफस्टाइल को पूरी तरीके से ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, और 75 साल बाद कंक्लूड किया गया, 75 years बाद, और बोला गया कि जो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है ना, वो रिलेशनशिप है। तो अब आप बोलेंगे कि इसको कृष्णा जैसे हम क्या, इससे कृष्णा का क्या ताल्लुक? भगवान कृष्णा को रसराज कृष्णा बोला जाता है, मतलब ये भी, और मास्टर ऑफ ऑल रिलेशनशिप भी बोला जाता है, जो हर रिलेशनशिप्स को बहुत अच्छे से निपुणता से निभाते हैं, अलग अलग रसराज। हाँ, जैसे शास्त्रों में बताया गया है कि 12 रसराज होते हैं, जैसे फ्रेंडशिप हो गया, पेरेंट्स हो गया, दया हो गया, दास्य हो गया। और कृष्णा को किसी भी रिलेशनशिप में आप देखो, वो एक्सपर्ट है, उनका डीलिंग करने का तरीका, वो किस तरीके से लोगों से डील करते हैं, ये अद्भुत है। और ये चीज आज के लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बिकॉज हर कोई खुशी की तलाश में है। और जब हमें पता चल रहा है कि सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस रिलेशनशिप है, तो जो इस सब्जेक्ट में मास्टर है, जो रसराज है, उससे ही सीखें तो बेटर है। इसलिए आप देखोगे कृष्णा के इर्द गिर्द जो भी हम देखते हैं, हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। फिर वो अर्जुन हो, जैसे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, पर जैसे कृष्णा है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। प्रॉब्लम अभी भी है, ऐसा नहीं है कि जंगल से बाहर चले गए, पर फिर भी खुश हैं।
फिर सुदामा के लाइफ में कृष्ण है, वो भी खुश हो गए। द्वारका में कृष्ण है तो द्वारकाधीश खुश है। वृंदावन में कृष्ण है तो वृंदावन वाले सब खुश हैं। तो जहां जहां कृष्ण है, जिन जिन के साथ कृष्ण है, वो हमेशा खुश रहते हैं, बिकॉज कृष्ण उनके साथ बहुत अच्छे से रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं, इसलिए उनको हैप्पीनेस मिल रही है। तो ये चीज कृष्णा से सीख सकते हैं। सो जैसे आपने बताया कि कृष्णा रसराज हैं, वो सारे 12 जो आप इमोशंस बता रहे हैं, रसों के उसके मास्टर हैं, है ना? He's master of emotions, as you're trying to say. But is there any stories like people would like to know कि कहाँ कैसे उसमें ये दिख रहा है? मतलब शास्त्रों में ऐसा क्या इंस्टेंस है, क्या स्टोरीज है जहाँ से ये डिपिक्ट हो पा रहा है या ये समझा जा सकता है कि नहीं, सच में भगवान जो है कृष्ण जो है रसराज है? एक मूवी है बाजीगर, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, सुना आपने? हाँ, शाहरुख खान का, पर एग्जैक्टली शाहरुख खान, बट मैंने सुना है, डायलॉग सुना है। तो बोला उसने है, पर रियलिटी में भगवान के ऊपर, कृष्णा के ऊपर शूट करता है। आपने जरासंध का नाम सुना होगा, एक बहुत पावरफुल किंग था, कृष्णा से कई बार उसकी फाइट भी। तो कहते हैं कृष्णा ने 17 बार उसको हराया, बुरी तरीके से हरा देते थे, बट फिर भी जरा आता था लड़ने, फिर हरता था। तो उसने, क्योंकि वो ऑफकोर्स उसका भी किंगडम था, उसका राज्य था, तो वहाँ के उसने कई ब्राह्मणों को पकड़ लिया और बोला कि तुमको जान से मार दूंगा, ऐसा मुहूर्त बताओ वरना मुझे, जिसमें मैं कृष्णा को हरा सकूं। मतलब एक ऐसा टाइम बताओ जिसमें मैं अटैक करूं और मैं जीत जाऊं, कृष्णा हार जाए, वरना नहीं जीता तो तुम मरे। हाँ, क्योंकि कृष्णा छोड़ देते थे हर बार, तो उसे पता था हार के वापस आऊंगा तो सबसे पहले इनको मारूंगा। तो वो बेचारे फंस गए। तो अब क्या करें, जब जान पे आती है तो बोलना पड़ता है। तो उसने टाइम बताया कि भाई इस मुहूर्त में चले जाओ। तो गया फिर सेना लेके और जीत गया। तो कई लोग बोलते हैं कि देखो, इसलिए उनका नाम रणछोड़ पड़ा। किस लिए रणछोड़ पड़ा? क्योंकि वो एक्चुअली जब लड़ने आए तो कृष्णा इस बार 18वीं बार लड़े नहीं, भाग गए। वाई? इसका आंसर बताया गया है गर्ग संहिता के द्वारका खंड में, कि भाई यह परम भगवान है, इतना ताकतवर है, जब 17 बार हरा दिया तो 18 बार भागे क्यों? ऐसा क्या हो गया था? तो ऐसा इसलिए हुआ था बिकॉज इसने ब्राह्मणों को, साधुओं को किडनैप करके पकड़ लिया था और बोला था मार। सो कृष्णा न्यू अबाउट दिस कि अच्छा ये मर जाएंगे, तो अगर मैं हारा नहीं, मैं तो जीत ही जाऊंगा। अगर तो इसलिए अपने आप उनको बचाने के लिए अपना नाम सैक्रिफाइस करवा दिया कि भैया चलो मैं ठीक है मैं हार जाऊँ। तो कृष्णा ने सोचा कि देखो इनको बचाने के लिए ना हारना स्वीकारा, क्योंकि जो व्यक्ति 17 बार जिसको इजिली हरा रहा है तो 18वीं बार क्या दिक्कत है। बट उन्होंने देखा कि मेरे अगर मैं हार जीत गया तो बेचारे मारे जाएंगे। तो उन्होंने उनकी खुशी के लिए, बिकॉज यह रिलेशनशिप है ना कि यार मेरे वजह से साधु ना मरे, इसलिए मैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए हार स्वीकारता हूँ। तो रियल में देखा जाए तो हार भाग जाते माउंटेन से क्लाइंब होके भाग जाते और उसको लगता है कि मार दिया मैंने। तो यहाँ दुनिया के अंदर में हो सकता है कि वो हार गए, बट अपने भक्तों के लिए वो जीत गए कि यार हमारे लिए भगवान ने हारना स्वीकारा। तो ये रिलेशनशिप भी है ना कि देखो इतना द्वारकाधीश है, इतना पावरफुल व्यक्ति है, बट उसने हारना स्वीकारा। बट एक और इसमें फिर सवाल आता है, मतलब डोंट माइंड आस्किंग, बट पॉइंट ये आएगा कि सबके मन में आएगा कि अगर भगवान इतने बलशाली थे ही, है ना, तो अगर पहली बारी में हरा देते तो 17 बार हराना नहीं पड़ता, 18वें बारी तक तो बात ही नहीं आती, और ना ब्राह्मण जो है प्रॉब्लम में आते। तो ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। इसका आंसर भी गर्ग संहिता में ही है। अच्छा। यस, और द्वारका खंड में ही आता है। बस मैंने जो अभी पहले आपको मेंशन किया था वो आगे के चैप्टर थे, आप पीछे के चैप्टर में थोड़े चलते हैं। अच्छा। एक्चुअली भगवान संसार में क्यों आता है? भक्तों की सुरक्षा, ब्राह्मणों की सुरक्षा और अधर्मियों को वध करने। तो अब अधर्मियों की कमी नहीं है संसार में। जब भगवान आए थे इतना पाप पड़ चुका था, इतने राक्षस थे, अब सबको घर थोड़ी जाते कि अच्छा वो बंगाल में रहता है, वो छत्तीसगढ़ में, वो हरियाणा में रहता है, वो पंजाब वहाँ रह रहा है। तो भगवान ने सोचा ऐसा क्या करें। तो ये जो जरासंध था इसके रिलेशनशिप सबसे बहुत अच्छे थे, जरासंध की फेमस है। हाँ, तो जरासंध को पहली बार हराया तो बेचारा, सिर्फ जरासंध के अलावा सबको मार दिया, सारे अधर्मी खत्म। तो अकेला बेचारा गया डिप्रेशन में, कि और वो तो ये तक सोचने लगा था कि यार छोड़ो संसार, चलो हरिद्वार भगवान की भक्ति करूंगा, बट उसका सारे दोस्त तो राक्षस ही थे। तो जब गया तो दूसरे राक्षस लोग आए कि तू टेंशन मत ले, तू इस बार फिर से लड़, इस बार हमारी सेना तेरे साथ है। तो फिर वो गए, फिर हारे, फिर जरासंध को छोड़ दिया, फिर उसे कहीं दूसरे के राक्षस बुलाए। तो ऐसे तो कृष्णा एक्चुअली एक ही जगह रहते थे, कहीं नहीं जाते थे, जरासंध को छोड़ देते, फिर वो नए राक्षसों को लेके आता था। तो उस जरासंध को छोड़ने का पीछे कारण ये था कि ये बार बार जाए और दूर दूर से, कहते हैं इवन कई दूसरे देशों से भी, यमन जैसे एरिया से भी राक्षस आते थे उसके साथ लड़ने, और फिर भगवान हरा देते थे। तो मतलब एक जगह ला के, मतलब वो बैठे हुए हैं और सारा काम जो है जरासंध से करवा रहे हैं, और जरासंध को पता भी नहीं।
तो ये है शार्प माइंड की देखो। और जब लगा कि अब हारना चाहिए बिकॉज भक्तों को ब्राह्मणों की प्रोटेक्शन की बात है क्योंकि ऑलमोस्ट उसका तो खत्म ही कर दिया है, तो फिर उन्होंने हारना स्वीकारा। तो एक देखो जब जहां बुद्धि लगाई, देखो दोनों केस में उन्होंने बुद्धि लगाई, एक जगह राक्षसों को मारने के लिए बुद्धि लगाई और एक जगह भक्तों को बचाने के लिए बुद्धि लगाई। तो भगवान हमेशा कोशिश यही करते हैं कि पूरा प्रयास यही रहे कि लोगों के प्रोटेक्शन हो अच्छे लोगों का और बुरे लोगों का विनाश हो। He is showing this his intelligence as well as he is concerned about his relationship, you know? Yes. We see ye dono jo balance out hona na, ye kahi mushkil hota hai. Kahi baar log intelligent hote hain to they are not emotionally that much sound, yes, yes. Hai na? Aur kahi emotionally sound hote hain to they are not intelligent enough. Isliye to Krishna ko bula rahe hain ki jo relationship ke master hai, master hai, yes. Kyunki pata hai ki kiske sath kaise deal karna hai. So do you have any more stories to share like in this regard or any more incidences? हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है। अभी छोटे छोटे मैं आपको जल्दी जल्दी सुनाता हूँ। जैसे कि कृष्णा को ब्रह्मा जी बताते हैं जो ईश्वरों में भी जो परमेश्वर है, मतलब ईश्वरों में भी सबसे ऊपर है जो परमेश्वर है वो कृष्णा है। तो आप इसी से समझ सकते हो कि कितने पावरफुल है, कितने कितना कुछ कर रहे हैं वो। अब देखो लोग बोल रहे हैं कि देखो इंसानों ने सैटेलाइट बाहर आसमान में उड़ रही है, कितना कुछ एडवांसमेंट है। सोचो जो व्यक्ति प्लैनेट्स उड़ा रहा है वो कितना पावरफुल होगा ना। तो कृष्णा वो है। बट जब अर्जुन को नीड हुई तो ऐसा व्यक्ति जो इतना पावरफुल है वो तुरंत ही उनके ड्राइवर बन गए। कि फ्रेंड्स की बात है ना, रिलेशनशिप है, भाई को जरूरत है, अर्जुन को जरूरत है, इमोशनल नीड है, उसको गाइडेंस की जरूरत है, तो हर समय साथ रहने के लिए उसके सारथी उसके ड्राइवर बन गए। तो ये बताता है कि अपने लिए नहीं सोचते वो, हमेशा दूसरों के लिए सोच रहे हैं। अपनी इमेज नहीं है कि यार मैं तो इतना पावरफुल हूँ, मैं किसी को नौकर इतना अमीर हूँ, मैं कैसे गाड़ी चलाऊं। और दूसरा अगर देखा जाए तो सुदामा जी के बारे में, क्योंकि उस टाइम भगवान द्वारका में थे, द्वारकाधीश, मतलब द्वारका नगरी की अगर पढ़ेंगे तो वो सोने की नगरियां हैं। और सिर्फ उनकी 16108 रानियों के लिए ही 16108 गोल्ड के पैलेस हैं। तो वह इतना रिच व्यक्ति है और ऐसी प्रजा जो उनके लिए कभी भी मर सकती है, इतना प्यार करती है। जैसे ही आए सुदामा तो उनको तो भगा दिया था उनके द्वारपालों ने, ऐसा बोला जाता है। तो कृष्णा को जैसे ही पता चला तो उन्होंने ये नहीं बोला कि जाओ मेरे दोस्त को बुला लो, इज माय फ्रेंड। उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ उसको लेने। तो चप्पल वप्पल नहीं पहने, ऐसे भागते हुए गए अपने फ्रेंड्स को रिसीव करने। तो और फिर उसके पैर भी धोए, उसको अच्छे कपड़े पहनाए, खाना दिया, उसकी सारी नीड फुलफिल करी। और यहाँ पे देखो आजकल आज के जमाने में अगर अपना कोई दोस्त बड़ा आदमी बन जाता है तो वो कैसे कटने लगता है, या वो बिजी हो जाता है तो उतना टाइम नहीं देता, यार नहीं हो पाएगा। बट भाई कृष्णा देखो एक तो संसार चला रहे, तो अर्जुन के सारथी भी बन गए और बड़े राजा हैं, तो द्वारका के वो फिर अर्जुन को सुदामा को पूरा टाइम दे रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि रिलेशनशिप्स को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। और यही रीजन है कि उनके मित्र हैं, उनके अपने जितने भी हैं, चाहे वो वृंदावन वासी हो, द्वारका वासी हो, अब पांडवाज हो, उनके मित्र हो, उनके लिए मरने के लिए हर समय रेडी है। बिकॉज वो उनके लिए, कृष्णा भी उनके लिए उतना ही कर रहे हैं। तो ये आस्पेक्ट जो सोसाइटी में आज मिसिंग है ना, अच्छे रिलेशनशिप्स कैसे बनाते हैं, वो आज आज भी, भविष्य में भी और पास्ट में भी हर समय जरूरत है। और वो कृष्णा से अच्छा कोई सिखा नहीं सकता। एक सेइंग है फेमस कि वी शुड लव पीपल एंड यूज थिंग्स। बट मैं ये भी देख रहा हूँ कि आजकल ऐसे इंस्टाग्राम रील्स और ये सब में लोग बहुत ओपनली इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि हम लोग चीज़ों को प्यार कर रहे हैं और लोगों को यूज़ कर रहे हैं। मतलब ये लोग भी समझ पा रहे हैं ये गड़बड़ है, है ना, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ प्रॉपर डायरेक्शन कि कैसे करना है। तो आई गेस श्री कृष्णा इज द करेक्ट एग्जाम्पल टू शो कि हाउ अ रिलेशन शुड बी, हाउ शुड यू एग्जीक्यूट योर रिलेशनशिप्स, है ना। तो इससे एक और सवाल मेरा आ रहा है। अब कई लोग इसमें पूछेंगे भी कि ठीक है रिलेशनशिप, कृष्णा रसराज हैं, है ना, इज द मास्टर ऑफ रिलेशनशिप्स, है ना, मास्टर ऑफ डीलिंग्स, है ना, पर क्या जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने का एक यही तरीका है क्या कि हम मंदिर जाएं, आप ऐसे अभिषेक या जो भी हैं मंदिर जाके फेस्टिविटीज, यही एक तरीका है? क्योंकि जनरली जब मैं देखता हूँ कि घर पे जब फादर लोग या कोई भी आस पड़ोस में लोग होते हैं तो ऐसी छुट्टी मिलती है ना, तो जैसे इंडिपेंडेंस डे हो गया, कुछ भी छुट्टी हो गया, तो कहीं हमेशा सोचते हैं कि यार भाई ऑफिस से छुट्टी का दिन है, सो जाते हैं, आराम करो, है ना, या मूवी देखने चलो, ये कुछ करो, ये भक्ति वक्ति करने का, शो करने का क्या, एग्जिबिट करने का क्या इम्पोर्टेंस है? देखो
हमने देखा कि जब हमें गवर्नमेंट फैसिलिटी इतनी सारी देती है, अच्छी फैसिलिटी देती है, तो बदले में हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, सोलर वो बाद में घूम के हमारे पास ही आ जाता है, ऑफकोर्स फैसिलिटी और अच्छे से बढ़ती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो भगवान भी हमें दे रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपना कर्तव्य निभाएं। अब देखो कोविड के समय में कितना बुरा हाल हुआ था ऑक्सीजन सिलेंडर का, मैंने वीडियो देखे थे न्यूज में, लोग बहुत सफर कर रहे थे, गाड़ियां पार्क हुई हुई थी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, और कई लोग ऐसे जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल गया तो बेचारे समझ नहीं पा रहे अब कैसे चढ़ाए, हॉस्पिटल बेड्स ऐसे बुरा हाल था। तो वो जो ऑक्सीजन लोग खरीद नहीं पा रहे थे, जिनको अवेलेबल नहीं हो रही थी, वो ऑक्सीजन भगवान हर दिन अरबों ट्रिलियन लोगों को फ्री में दे रहे हैं। और ऐसी सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज है, वाटर हो गया, अर्थ हो गया, फूड हो गया, ये सब चीजें भगवान तो फ्री में ही दे रहे हैं ना, बाद में इंसान अपना ग्रीड लगा के उसको चार्ज लगा देता है, बट भगवान की तरफ से सब फ्री में मिल रहा है। देखो अगर कोई देश के लिए मेडल लेके आता है, देश का नाम रोशन करता है, अगर उसको रिस्पेक्ट मार दो, उसको कोई पहचान मत दो, पूछे ही ना, तो वो बोलेगा ना कि मैंने देश के लिए इतना कुछ किया, यार एटलीस्ट मेरे को थोड़ा सा तो पहचान मिलनी चाहिए ना, रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए ना। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर गवर्नमेंट उसको माला पहनाती है, मेडल्स देती है, उसको लाख लाख रुपए के चेक भी देती है, बिकॉज उसने देश के लिए किया है। तो अब जनता गवर्नमेंट सोचते हैं कि अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके प्रति भी है। वैसे अगर कोई यूपीएससी क्रैक कर लेता है तो उसका न्यूज में आ जाता है कि देखो उसने किया टॉप, तो जो इतना कुछ कर रहा है उसको इतना ज्यादा पहचान मिल रही है, और लोग सीख भी करते हैं कि भैया ये मैंने किया है। जैसे नोबेल लॉरियट्स होती है, कोई भी कुछ अवार्ड जीता है तो वो एक्नॉलेज करता है कि नहीं मैंने मेहनत किया तो मैंने जीता है, और अगर उसको नाम ना लो तो बुरा भी लगता है कि। तो वैसे तो भगवान नहीं कह रहे कि देखो मैं इतना कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कि तो तुम मेरी पूजा करो, बट हमें शर्म तो होनी चाहिए ना कि यार हम भगवान इतना कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, तो एटलीस्ट मैं ग्रेटफुलनेस शो करूँ कि देखो आपकी वजह से मैं एयर ले पा रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, 3 मिनट के लिए एयर बंद हो जाए, यहीं लेटे पड़े हुए हैं, नाक में से खून बह रहा हुआ, अजीब सी हर शकल हो जाएगी, सिर्फ 1 मिनट भी कर दो तो भी हालत खराब हो जाएगी। तो इतनी सारी फैसिलिटी जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता, सब फ्री है। और लोग कहते नहीं ये तो अपने आप आ रहा है, बाई चांस हो गया, बाई चांस हो गया, बाई चांस तो लाइट भी नहीं आ रही, तो बाई चांस आप बाई चांस यूपीएससी का एग्जाम भी हो गया, फिर उसको क्यों इतना रिस्पेक्ट दे रहे हो, बाई चांस देश के लिए मेडल लेकर आ गया, बाई चांस हो रहा है सब। तो बाई चांस कुछ नहीं होता, हर चीज के पीछे कारण होता है। तो ये जब फ्री फैसिलिटी मिल रही है, इतना कुछ हो रहा है, वो भगवान डिलीवर कर रहे हैं हमको, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम भी ग्रेटफुलनेस शो करें भगवान को कि भाई यस। और ग्रेटफुलनेस शो कैसे किया जाता है, एक्नॉलेज करो, वर्शिप करना, जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना एक माध्यम हो जाता है कि ठीक है भाई भगवान का जन्मदिन है तो एटलीस्ट आज के दिन मैं उनको टाइम दूंगा, ठीक है भाई सुबह सुबह भगवान रोज खाना तो रोज सब कुछ तो रोज ही मिल रहा है एयरवेयर, तो एटलीस्ट रोज सुबह घर से निकलने से पहले भगवान के दर्शन करके जाओ, थोड़ा सा भगवान की वर्शिप कर लूँ, प्रेयर्स पढ़ लूँ, प्रेयर्स के माध्यम से उनको याद कर लूँ। तो ये सब माध्यम होते हैं जो एक तरीके से ग्रेटफुलनेस अपना शो करते हैं हम लोग, तो वो जरूरी है। तो एक्नॉलेज करना इज अ वेरी क्रूशियल, दिस इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ एक्नॉलेजिंग, बिकॉज मैं ये भी देखता हूँ कि एक्नॉलेज व्यक्ति जब नहीं कर रहा होता ना तो वो पेरेंट्स को बाद में हम देखते हैं कि जैसे ओल्ड एज होम्स खुल रहे हैं पेरेंट्स के, तो कई लोग पेरेंट्स को ऐसे ही छोड़ जाते हैं सड़कों पे, तो एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं कि इन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया। सो मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज वी आर नॉट सेइंग कि कृष्णा इज ऑल इन ऑल, वी आर ऑल्सो एक्नॉलेजिंग पेरेंट्स, फार्मर्स, एवरी वन अराउंड अस जो फैसिलिटी प्रोवाइड करे, बट वी आर सेइंग कि यू शुड एक्नॉलेज कृष्णा ऑल्सो, है ना। हाँ, जैसे हम मम्मा पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, है ना, हम भाई का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम सबका कर रहे हैं, सो वी शुड आल्सो सेलिब्रेट। हम अपने कुत्ते का भी करते हैं यार, तो भगवान का करने में क्या दिक्कत है। हाँ, लोग मैंने देखा है अपनी बाइक्स का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आज के दिन मैंने बाइक ली थी मेरी हायाबुसा, मी सीज माई लव, ऐसे से बोलते हैं, मतलब जो करें कोई नहीं, बट मतलब टू एक्नॉलेज कृष्णा, इतना प्यार है आपके हृदय में तो भगवान के लिए भी दिखा दो। Okay, so we should acknowledge each and everyone, and you should also include in this circle Lord Himself, है ना, भगवान को भी इसमें include करना चाहिए। So to conclude our podcast, तो हम इससे आज के discussion जो ये clear हुआ कि कृष्णा जो है वो रसराज है, है ना, वो relationship के master है ना, और उनसे ये चीज़ सीखना चाहिए हमें, है ना, और उनके लिए celebrate करें तो क्या दिक्कत है, इतना व्यक्ति जब दे रहा है, इतनी सब कुछ दे रहा है और ऐसी टीचिंग्स दे रहा है जो 75 years रिसर्च करने के बाद भी वो सेम कंक्लूजन आ रहा है कि रिलेशनशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो व्यक्ति जब वो दे ही रहा है ऑलरेडी, सो व्हाट्स हार्म इन दिस, है ना। तो अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए, शेयर कीजिए उन सभी लोगों से जिनको कन्फ्यूजन है भगवान कृष्णा से रिलेटेड,
और उनके कैरेक्टर से रिलेटेड, और कमेंट करिए कि आपको कौन सी क्वालिटी नई लगी और अच्छी लगी सुन के, है ना। और अगर आपको पता है और कोई अच्छी क्वालिटीज तो आप भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आप हमारी शॉर्ट फिल्म द लॉस्ट टेंपल देख सकते हैं जो हमने पिछले वीक बनाई थी, आप उसको जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस तरीके की या इस तरीके की वीडियोज आप चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा बनाए जाए सनातन धर्म से रिलेटेड, तो आप हमें फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं डोनेट करके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।